एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन दिस इज साक्षी। सो अभी मैंने शीट मास्क जस्ट रिमूव किया है, इसी वजह से मेरी स्किन ऐसी लग रही है, बहुत शाइन कर रही है, क्योंकि अभी इसने अच्छे से सीरम को सोख नहीं किया है। वेल, आफ्टर माय एंगेजमेंट माय स्किन इज नॉट परफॉर्मिंग दैट गुड। पूरा यू कैन सी बहुत एक्ने आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, मे बी मेकअप के कारण ऐसा हो रहा है या क्यों हो रहा है, आई रियली डोंट नो, या फिर वेदर ऐसा है कि इतना ह्यूमिडिटी वाला है, बारिश वगैरह का रीज़न है, आई डोंट नो। बट एज ऑफ नाउ माई स्किन कंडीशन इज नॉट दैट गुड। सो येस, वेल दिस इज अनदर ब्लॉग एंड इट इज़ अबाउट दी शॉपिंग विच आई हैव डन इन भोपाल। सो मैं भोपाल गई हुई थी शॉपिंग के लिए, तो वो ये पूरा ब्लॉग उसी का है। एंड वो जो मैंने शॉपिंग करी थी वो ग्रूम साइट्स की तरफ से शॉपिंग थी, मतलब एक फंक्शन होता है ओली, उसमें ग्रूम साइट के ग्रूम और उनके पेरेंट्स की तरफ से ज्वेलरीज और कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, तो वो वाली शॉपिंग करने में गई हुई थी। सो या दिस ब्लॉग इज़ अबाउट ऑल दैट। सो या देखो, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लो। वेल, हम 24 मई को निकले थे भोपाल के लिए, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी गए हुए थे। सो मेरी मम्मी का अपॉइंटमेंट भी था एम्स में डॉक्टर से 25 मई को, तो इस वजह से वो भी गई हुई थी। एंड मैं पहले उनके साथ एम्स गई थी, मतलब पहले तो मैं 24 मई को गई, तो मैं और मेरी बहन भी आ गई थी, वो भोपाल में ही रहती है, तो वो भी आ गई थी। हम सब ने होटल में स्टे किया एंड आफ्टर दिन 25 को हम गए थे एम्स, एंड एम्स से ही फिर राहुल ने मुझे पिक कर लिया था। एंड फिर ये रात में हमने राजभोग से खाना मंगाया हुआ था, जो कि बहुत सही था। उसके बाद हम सब ने मिलके खाना खाया और फिर हम सो गए, और सुबह उठते ही हम सब लोग ही एम्स गए, और फिर जैसे कि मैंने बताया कि मुझे राहुल ने एम्स से पिक कर लिया था, तो मैं उनके साथ चली गई थी। सो मैं ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए गई थी, जिसमें से 3 दिन बस हम अलग अलग स्टोर्स में गए, ऑलमोस्ट 8 ज्वेलरी स्टोर गए थे, लोकल भी ब्रांडेड भी। और जो मैंने सबसे पहला नेकलेस देखा था तनिष्क से, वही एक मुझे पसंद आया था, और एंड में मैं उसी के साथ स्टिक थी। सो वो पूरा क्योज है इस वीडियो में, पर बहुत मज़ा आई थी, तो आप देखो। ऐसे हम ज्वेलरी परचेज करने आए हैं, मतलब देखने आए हैं अभी, एंड वी आर एक तनिष्क, अभी हम चेक करेंगे। यू वांट टू से हाय? हाय, तो बंद कर दो इसको, मेरा अच्छा लग रहा है, कितना सही लग रहा है। इफ यू वांट टू गेट मैरिड मेरे साथ, तो आपको इसके लिए यूज्ड टू होना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे बताया मत करो, ऐसे हिडन कैमरा से शूट किया करो मुझे। दिला दो हिडन कैमरा। ठीक है, इस ज्वेलरी देखते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। बहुत पास बैठा हूँ मैं, वीडियो नहीं बन पा रहा। फोटो खींचना, आप ना फोन निकालो और ब्लॉग शूट कर रहे हैं।
हाँ मैं पता नहीं भूल गई, वी आर इन भोपाल, लाइक आई एम इन भोपाल। अच्छा वो मैं पहले बता दूंगी, ठीक है। सो हम आज शूट कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आएगा मोस्टली 15 जुलाई या फिर उसके बाद, मतलब उसी हफ्ते आएगा, 15 जुलाई या 16 जुलाई तक आएगा ये ब्लॉग, उसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। और कल्याण वालों ने यार हमको फोटोज नहीं क्लिक करने दिए, बाकी तो ठीक थे, बाइक करने दे रहे थे जो हमें पसंद आ रहा था, कल्याण वालों ने नहीं करने दिया। आनंद वाले भी नहीं करने देंगे, और आनंद वाले भी नहीं करने देंगे। सो गाइज, ज्वेलरी शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने लुई फिलिप से एक टक्स भी शॉर्टलिस्ट किया राहुल के लिए, लेकिन उसके बाद हमने और एक्सप्लोर करने से पहले सोचा कुछ खा लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई थी और हम थक भी गए थे, तो हमने वाओ मोमो से मोमो ऑर्डर किया और फिर वो खाया। गाइज हमने ज्वेलरी देखी है और हमने शॉर्टलिस्ट कर ली है, अभी वी हैव टू फाइनलाइज, एंड अभी हम आए हुए हैं कुछ खाने। सो हमने ऑर्डर किए हैं मोमो, सो अभी आएगा। So we'll eat something. अब बाहर बैठे हो तो कैसे ए सी चलेगा। सो विल ईट समथिंग एंड देन विल फिगर आउट कि अब हमें आगे क्या करना है। और हम गए थे टक्स भी देखने, सो हमने शोरूम में टक्स भी देखे हैं, और अभी हमने कलर वगैरह डिसाइड किया है, बट अभी हमको फाइनलाइज करना है। हमने फाइनलाइज कुछ भी नहीं किया है, बस हमने सब देखा है एंड शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। अब क्या लेना है कैसे लेना है वो अभी होगा फाइनल। आज मुझे पता चला गाइस आफ्टर सो लॉन्ग की शॉपिंग कितनी हेक्टिक है, मुझे लगता नहीं था कितनी हेक्टिक है जितनी अभी लग रही है, बट शॉपिंग इज वेरी हेक्टिक। गाइस हमारा खाना आ चुका है, नाउ विल हैव सम फूड ताकि हमारा गुस्सा शांत हो। अच्छा है, सही में अच्छा है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ कपड़ों की भी शॉपिंग कर लेते हैं, एंड मैंने राहुल को बोला मेरा वीडियो शूट करने के लिए, एंड मैंने क्लियरली बोला था फ़ोन टिल्ट करके वीडियो बनाना, पर उन्होंने ये पोर्ट्रेट मोड में ही शूट कर दिया पूरा, एंड या सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। वेल मैंने जो भी पीस यहाँ से शॉर्टलिस्ट किए थे उनको मैंने ट्राई भी करके देखा है, और उनकी क्लिप्स भी मैंने अटैच करी हैं इसके बाद, तो आप उसे देखो। मुझे तो इतना ज़्यादा कोई भी पीस नहीं पसंद आया कि मैं ले लूँ, और जैसे ये वाला भी ठीक ठाक ही था, पर इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि बस ले ही लूँ। इसके बाद वाला ये जो येल्लो वाला है ना, ये मुझे बहुत, इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसे फुल स्लीव वाला सूट मुझे बहुत पसंद है, पर ये 9000 का था तो मुझे ओवर एक्सपेंसिव लगा, इस वजह से मैंने नहीं लिया। एंड ये वाला भी सिंपल लग रहा था, पर ये 7000 का था, और मुझे इसमें 7000 जैसी कोई बात नहीं लगी तो मैंने नहीं लिया। और ये वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे मुझे लग रहा था मैं ओवर एज लग रही हूँ, तो फिर मैंने इसे भी डिसाइड किया नहीं लेने का। गाइस हमने मॉल पे कपड़े देखने की कोशिश करी बट कुछ पसंद नहीं आया, सो अब हम जा रहे हैं, मतलब हमको एथनिक लेना है, और एथनिक में वहाँ पे काफ़ी कम वैरायटी थी। सो अब हम कहाँ जा रहे हैं, न्यू मार्केट जाएंगे, वहाँ पे शॉप में जाके ऐसे बैठने वाली जो शॉप्स होती है ना, जहाँ पे वो लोग दिखाते जाते हैं वैसे शॉप्स में जाएंगे एंड विल सी। गाइस अब हम थोड़ा सा घूमने आए हुए हैं, उसके बाद हम न्यू मार्केट जाएंगे। तो हम आए हुए हैं ट्राइबल म्यूजियम, और यहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे, तब तक थोड़ा छाव भी हो जाएगी और मतलब धूप कम हो जाएगी, तो फिर हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, न्यू मार्केट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है क्या,
यहाँ पे मतलब ऐसे ट्राइबल ट्राइब्स जो एमपी के हैं तो कैसे घर बना के रहते थे और अभी भी रहते हैं, और कुछ कुछ मतलब उनके आगे पूजा वगैरह करने के तरीके, तो वो सब लिस्टेड है। ठीक है चलो देखते हैं, देख के पता चलेगा क्या है। आ जाओ बहुत काम है। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. ये क्या है यार, ये उनके काम के हैं क्या? ये क्या है? ये ना बाप देव करके मतलब ऐसे भील ट्राइब्स में, हाँ, गांवों के बाहर ऐसे एक पेड़ होता है, हाँ, तो जब भी मतलब ऐसे कोई वो होती है ना पुण्यतिथि किसी की, हाँ, जब कोई उस दिन एक्सपायर हुआ हो, हाँ, तो ये मिट्टी के ऐसे ये बना करके उस पेड़ के नीचे लोग रखने जाते हैं भील ट्राइब्स वाले। अच्छा, तो वही मतलब ऐसे काइंड ऑफ रिप्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पे। तो हम इधर क्यों घूम रहे हैं, चलो उधर साइड। Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. ओके सो आफ्टर ट्राइबल म्यूज़ियम वी वेंट फॉर शॉपिंग, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाई। और दूसरे दिन हम लोग गए थे ओमकारेश्वर, सो वहाँ का थोड़ा थोड़ा क्लिप्स मैंने शूट किया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर आज। तो यहाँ पर हम सारे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए थे, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ओमकारेश्वर पहले गए, लेकिन हम सिर्फ ओमकारेश्वर ही जा पाए थे क्योंकि महाकालेश्वर के लिए टाइम नहीं बचा था। सो फिर हम रात में वापस भोपाल लौट कर आ गए, और भोपाल लौटने के बाद दो दिन और था मेरे पास शॉपिंग के लिए, तो मैं कुछ और स्टोर्स गई थी, पर फिर एंड में मैंने तनिष्क वाला ज्वेलरी ही फाइनलाइज किया है। मुझे ऐसा लगता है भोपाल और इंदौर वालों को गोहा बनाना सतना रीवा वालों से सीखना चाहिए। बाकी के दो दिन की शॉपिंग की मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हेक्टिक हो रहा था, एक स्टोर से दूसरे स्टोर जाना, हम थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो रहे थे। सो मैंने मतलब ज़्यादा शूट नहीं किया, बट एंड में मैंने जो भी ज्वेलरीज मैंने ट्राई करी थी उनकी पिक्चर्स अटैच करी हैं, तो आप बताओ कि कौन सी वाली ज्वेलरी मैंने फाइनलाइज़ की है। यहाँ पर हम राहुल के लिए टक्स देखने आए थे, सो बस इतनी ही शॉपिंग करी हुई थी, इतना ही शॉपिंग का ब्लॉग है। गाइस हमने बहुत सारी शॉपिंग करी, ज्वेलरी फाइनल हो गई, अब हम कपड़ों की शॉपिंग करने आए हैं। सो दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ माई भोपाल ट्रिप, और आज के दिन कुछ हमने शॉपिंग नहीं करी थी, बस न्यू मार्केट में कुछ कपड़े ऑल्टरेशन के लिए रखे हुए थे वही मैं लेने गई थी। उसके बाद हम निकल गए थे सतना के लिए। वेल मैंने इस ब्लॉग के बाद अपनी जो ज्वेलरीज हैं मैंने ट्राई करी हैं उन सब की पिक्स अटैच करी हैं, उनको मैं 1, 2, 3 से नंबर कर दूंगी, तो आप बताना मुझे कमेंट में कि मैंने कौन सी ज्वेलरी सेलेक्ट की। As the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she